स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्सेशन के बारे में, इटालियन लैंग्वेज में कैसे किसी को बोलना होता है, जैसे कि यह काम नहीं कर रहा है, इसको मूव मत करना, हिलाना मत, या तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो इन चीज़ों को इटालियन लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है, तो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इसको हम इटालियन लैंग्वेज में इस प्रकार बोलेंगे, नॉन फुंसियोने बेने। नॉन फुंसियोने बेने, फुंसियोने हो गया काम करना, और नॉन फुंसियोने बेने मतलब यह ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो कोई भी चीज़ है हमारे पास में, जैसे मोबाइल हो गया या मशीन हो गई या कोई भी जो भी है अपने पास में सामान है और वह काम नहीं कर रहा, तो हमें किसी को बोलना है कि यह काम नहीं कर रहा, यह ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, नॉन फुंसियोने बेने, यह ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके बाद में है इसको हिलाना मत, मूव मत करना, तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, नॉन स्पोस्तारे। नॉन स्पोस्तारे, स्पोस्तारे वर्ब हो गई मूव करने की, हिलाने की। एक स्पोस्तारे वर्ब भी है, वो मैरिज के लिए, शादी करने के लिए, और ये वर्ब है स्पोस्तारे। दोनों में डिफरेंस है, स्पोस्तारे और स्पोस्तारे। तो ये वर्ब है मूव करना, हिलाना। नॉन स्पोस्तारे मतलब इसको हिलाना मत। नॉन स्पोस्तार रिक्वेस्ट, तो इसको हिलाना मत, या नॉन स्पोस्तार लो, इसको हिलाना मत, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को मूव करना है, तो जैसे कि इसको हिलाओ, इसको मूव करो, तो स्पोस्तार लो, इसको मूव करो, इसको हिलाओ थोड़ा सा, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये इसको हिलाना मत, तो इस तरीके से बता सकते हैं। इसके बाद में है कृपया और धीमा बोलें, तो इसको हम इटालियन लैंग्वेज बोलेंगे, पर फावोरे पार्ली लेंटामेंटे। पढ़ला रहे बस बोलने की, और सेकंड पर्सन को हम बोल रहे हैं कि तुम धीमे बोलो, तो पार्ली लेंटामेंटे हो गया, और धीमा। तो पर फावोरे पार्ली लेंटामेंटे, कृपया धीमा बोले, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसको अगर बोलना है तो पुई पढ़ला रहे लेंटामेंटे, या पुई पढ़ला रहे पियानो पियानो, क्या तुम धीरे धीरे बोल सकते हो, तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया अपना कृपया धीमा बोले, इसको कैसे बोलना है। इसके बाद में है आप गुस्से में क्यों हैं, किसी से भी अगर पूछना है कि आप गुस्से में क्यों हैं, तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, पेरके से अराबियातो, पेरके से अराबियातो, अराबियारे हो गया गुस्सा करना। तो पेरके से अराबियातो मतलब तुम गुस्से में क्यों हो, किसी को भी अगर पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं, पेरके से अराबियातो। या हमें बोलना है कि नाराज़ मत हो, ये गुस्सा मत हो, ये तो इस तरीके से बोल सकते हैं, नॉन एसेरे अराबियारे। नॉन एसेरे अराबियारे मतलब गुस्सा मत होइए, किसी को भी अगर बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है काम डाउन प्लीज़, कृपया शांत हो जाओ, तो इसको हम बोलेंगे कालमा पेर फावोरे, कालमा पेर फावोरे, कृपया शांत हो जाओ, काम डाउन प्लीज़, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है मुझ पर चिल्लाओ मत, किसी को भी अगर बोलना है कि मुझ पर चिल्लाओ मत, तो हम बोल सकते हैं नॉन ग्रीदार में। ग्रीदारे वर्ब है चिल्लाने की, चीखने चिल्लाने की। और किसी भी सेकंड वर्जन को हम बोलना है कि तुम मुझ पर चिल्लाओ मत, तो हम बोल सकते हैं नॉन ग्रीदार में, नॉन ग्रीदार में मुझ पर चिल्लाओ मत, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या हमें किसी को बोलना है कि तुम हमेशा चिल्लाते क्यों रहते हो, तो पेरके ग्रीदी सेम्परे, पेरके ग्रीदी सेम्परे, तुम हमेशा चिल्लाते क्यों रहते हो, तो किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं, पेरके ग्रीदी सेम्परे। सेकंड पर्सन को हम बोल रहे हैं तो ग्रीदी, पेरके ग्रीदी सेम्परे, तुम हमेशा चिल्लाते क्यों रहते हो। इसके बाद में बाहर जाओ, किसी भी सेकंड पर्सन को हम बोल रहे हैं कि बाहर जाओ, तो हम बोल सकते हैं वाई फोरी, वाई फोरी मतलब कि बाहर जाओ, दिक्वी, वाई फोरी दिक्वी मतलब यहाँ से बाहर जाओ। तो सेकंड पर्सन को हमें बोलना है कि बाहर जाओ, तो वाई लगेगा, वादो आ गया अपने लिए, मैं जाता हूँ, तो वादो यो, यो वादो, दोनों बोल सकते हो आप, मैं जाता हूँ, वाई हो गया सेकंड पर्सन के लिए, अंदारे वर्ब पर जाने की, और सेकंड पर्सन के लिए होगा वाई, वाई फोरी, बाहर जाओ, वाई पोस्टो, अपनी जगह जाओ, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है ऐसा करो, किसी भी सेकंड पर्सन को बोलना है कि तुम ऐसा करो, तो हम बोलेंगे फाई कोजी, फाई कोजी मतलब ऐसा करो। तो कोजी है इस वर्ड का काफ़ी चीज़ों में यूज़ ले सकते हैं हम, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताऊंगा मैं, फाई कोजी मतलब कि ऐसा करो। या अगर किसी को बोलना है कि ऐसा तुम ऐसा करोगे, किसी को बोलना है कि तुम ऐसा करोगे, तो हम बोल सकते हैं फारे कोजी ऐसा करोगे, या फाई कोजी ऐसा करोगे, तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। तो पूछने में थोड़ा सा बोलने का टोन थोड़ा चेंज होता है, और फाई कोजी मतलब ऐसा करो, तो उसमें थोड़ा चेंज होता है।
तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और जैसे कि इस वर्ड का कोजी वर्ड का काफ़ी, जैसे किसी को बोलना है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, पोसो फारे कोजी, पोसो फारे कोजी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस प्रकार कर सकता हूँ, या फारे कोजी ऐसा करोगे, किसी को बोलना है कि तुम ऐसा करोगे, फारे कोजी क्या तुम ऐसा करोगे, या फारे मेत्ती कोजी क्या तुम इस प्रकार रखोगे। तो ये जो कोजी वर्ड है इसको किसी भी अपन यूज़ ले सकते हैं, किसी भी लाइन में लगा सकते हैं, जैसे कि तुम ऐसा करोगे, ऐसे रखोगे, या तुम यह कर रहे हो, तो इस तरीके से हम इस वर्ड को यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में है वह कब आया या वह कब आई, मेल और फीमेल दोनों में सेम ही रहेगा ए, क्वांदो ए वेनू तो लुई ले ए, तो क्वांदो ए वेनू तो मतलब वह कब आया या वह कब आई, या एक और तरीका है क्वांदो वेनू तो ले, क्वांदो वेनू तो लुई, वह कब आया या वह कब आई, तो दोनों तरीके से हम पूछ सकते हैं, क्वांदो ए वेनू तो या क्वांदो वेनू तो लुई, दोनों तरीके से हम पूछ सकते हैं वह कब आया या वह कब आई। और हमें बोलना है कि वह जस्ट अभी आया है, तो ए अपेना वेनू तो, ए अपेना, अपेना हो गया जस्ट अभी, तो ए अपेना वेनू तो वह अभी आया या वह अभी आई, तो अपेना वेनू तो ले, इस तरीके से भी बोल सकते हो, या ए अपेना वेनू तो वह अभी आया अभी आई, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है कोजा आई सेल तो, आपने क्या चुना, शेलेरे वर्ब है चुनने की, और आपने क्या चुना, तो कोजा आई शेल तो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कोजा आई शेल तो दी मंजारे, आपने खाने के लिए क्या चुना, कोजा आई शेल तो दी फारे, आपने करने के लिए क्या चुना, तो जो भी आपको पूछना है वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, कोजा आई बेरे, कोजा आई शेल तो दी बेरे, आपने पीने के लिए क्या चुना, तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं आपने क्या चुना। इसके बाद में है मैंने यह चुना, तो ओ शेल तो क्वेस्टो, ओ सेल तो क्वेस्टो, मैंने यह चुना, तो शेलेरे वर्ब है और मैंने चुना, तो वर्ब भी पास्ट में है, तो शेल तो, ओ शेल तो क्वेस्टो, मैंने यह चुना, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है इसको अनप्लग्ड करें, इसकी पिन हटाए, तो लेरे ला स्पीना, तो लेरे ला स्पीना, इसको अनप्लग करें, कोई पिन हटानी है, पिन को बोलते हैं स्पीना, तो पिन हटाना है तो लेरे ला स्पीना, इसको अनप्लग करें, इसकी पिन हटाएं, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। आंके वोलियो यो, मैं भी चाहता हूँ, या एक और होता है वर्ड पूरे, पूरे यो, मैं भी, तो दोनों वर्ड को आप यूज ले सकते हैं, ऑल्सो भी, इसलिए, तो आंके यो या पूरे यो, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैं भी चाहता हूँ, आंके वोलियो यो, आंके वोलियो यो अंधारे, मैं भी जाना चाहता हूँ, आंके वोलियो यो मंजारे, मैं भी खाना चाहता हूँ, तो इस वर्ड को आप इस तरीके से यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का अपना वीडियो कन्वर्सेशन के बारे में, इटालियन लैंग्वेज में कैसे किसी से बातचीत करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।